खबर सीकर के खाटू धाम से है, जहां खाटू धाम में श्याम बाबा के लक्की मेले का आगाज हो चुका है। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। शीश के दाम तीन बाणधारी लखदातार के नारों से खाटू नगरी गूंज रही है। 24 घंटे श्याम भक्तों को बाबा के दीदार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में श्याम भक्त खाटू पहुंच रहे हैं। 4 मार्च तक खाटू नगरी में श्याम भक्तों का तांता रहेगा। वहीं प्रशासन ने इस बार सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन से भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि इस बार जिला प्रशासन और खाटू श्याम मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मंदिर की तरफ आने वाली सभी सड़कों को चौड़ा किया गया है। मंदिर परिसर में जिगजैग रेलिंग को हटाकर सीधी लाइन बनाई गई है, ताकि लोग सही तरीके से लाइन में खड़े होकर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकें। मेले के लिए खाटू श्याम क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके लिए पैदल मार्ग और गाड़ियों के मार्ग को अलग किया गया है। इस बार कई नए प्रयोग भी किए गए हैं, जो दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए काफी नई सुविधाएं लेकर इस बार खाटू श्याम प्रशासन हाजिर है और सुरक्षा के तो खास इंतजाम किए गए हैं। विख्यात खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्की फाल्गुन मेला आज से शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन श्री श्याम मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला प्रशासन का मानना है कि इन 11 दिन में बाबा श्याम के 35 लाख से अधिक श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने इस बार नए नवाचार किए, जिसके चलते हुए श्याम भक्तों को सुविधाएं मिल रही है तथा सुगमता पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। आने वाले इन 11 दिनों में श्याम बाबा के आने वाले श्याम श्रद्धालु से खाटू श्याम जी की नजर